तक्षशिला इंग्लिश मीडियम विद्यालय ईडर का 10वीं कक्षा का रिजल्ट 100% रहा। वही व्योम अरुण कुमार शाह ने भी 99% लाकर सिद्धि हासिल की है। हाई सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में जो 10वीं कक्षा का रिजल्ट जाने के लिए है, तब बात करें इनर तहसील के अंदर, इनर तहसील में तक्षशिला इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो छात्र है उनका नाम है व्योम कुमार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पूरे सेंटर में फर्स्ट आया है। उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उसको किस तरह से मेहनत की है और आगे क्या बनना चाहता है, क्या उम्मीद है, हम इसको बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको किस तरह से मेहनत की थी? जय हिंद, मेरा नाम है व्योम शाह, व्योम अरुण कुमार, और मैं इधर के अंदर तक्षशिला स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा था स्टैंडर्ड 10th की, और अभी जो बोर्ड्स के एग्जाम गए उसके अंदर आज ही मेरा रिजल्ट आया। रिजल्ट 94.84% और 99.99% रैंक A1 ग्रेड आया है। तो बात करें मेरे कैरियर की, तो जो ये रिजल्ट आया है वो उसका एक रीज़न है कि मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, मेरा गाइडेंस, मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे कोचिंग टीचर्स, मेरे फैमिली के मेंबर्स और उन सब का गाइडेंस, मेरे उनकी वेल विशेज और उनके आशीर्वाद, और इसके कारण ही ये जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, और मैं आगे जाके भी और इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करता रहूँगा। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे जाके मैं अभी 11th के अंदर साइंस स्ट्रीम चूज करूंगा, और उसके अंदर मैं ए ग्रुप के थ्रू, मेरा गोल है कि JEE एडवांस्ड क्रैक करके IIT में जाना है, और फिर मुझे मेरा अल्टीमेट एम जो IAS का है उसमें UPSC क्रैक करने का करियर प्रशिक्षण है। और आप अभी सेंटर फर्स्ट आए हैं, तो आपने मेहनत किस तरह से की थी, जो कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे? तकरीबन मैं 13 से 14 घंटे की मेहनत करता था, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, मंथली टेस्ट, बहुत सारे एग्जाम्स भी थी, बहुत सारी प्रैक्टिस की, और इन सब के कारण ही निकल आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेंटर फर्स्ट आया है, अब उसको आगे क्या बनाना चाहते हैं आप? आपका बेटा का तो IAS बनना है, तो आप क्या उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? उसको IAS ही बनाना है मेरे को, पहले से इच्छा है मेरे को IAS बनाने की, पहले से इच्छा थी। हाँ। बहुत सारी कड़ी मेहनत की है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ दूसरे भी हैं, उसको भी बात करने भूल चुके हैं, उसको बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका बेटा है जो भी IAS बनना चाहता है, तो वो किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। એની નાનપણમાંથી ઈચ્છા હતી કે મારે IAS પણ, મારી પોતાની પણ ઈચ્છા હતી કે મારા છોકરાને મારે IAS બનાવો, અને જાતે સારી એવી મહેનત કરે છે એટલે મને એના પર ગોલ છે। और अभी जो 10वीं कक्षा में उसको सेंटर फर्स्ट आया है, तो कितनी आपको कितनी मेहनत की थी इसके पीछे? આની પાછળ તો મહેનત તો કહેવાય તો મારા કરતા મારા વાઇફની તથા મારા ફાધરની એટલે મારા પપ્પાની એટલી બધી, કે દિવસમાં 2 વખત પપ્પા ફોન ના કરે તો સુધી એટલે શાંતિ નથી, એમ કે દાદાનો ફોન આવે વાત કર પહેલા એમ, અને મારી મારા પત્નીની બેન મહેનત બહુ સારી એવી છે, એને રાત્રે 2 વાગે ઉઠાડવાનું, બપોરે એને જમવાનું, આ તે સ્કૂલે બધું જે કામ જાતે પ્રિપેર કરતો હતો। અભી આપકા જો બેટા હે જો IAS બનના ચાહતા હે ઉસકો ગોલ તક આપ લે જાયેંગે કે? હા, એની પૂરેપૂરી મારી ઈચ્છા છે કે એને ગોલ સુધી લઈ આવું। બહુત બહુત ધન્યવાદ આપકા। उनका जो ग्रैंडफादर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जो पोता इतनी सिद्धि हासिल की है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा पोता पहले से ब्रिलियंट था, और इसका एक ही इच्छा, मेरी एक ही इच्छा थी कि वो IAS बने, वो देश की सेवा करे, और वो पहले से उसे छोटा था तब से ब्रिलियंट थी, और मेरी एक ही इच्छा है कि वो IAS बने और देश की सेवा करें।